लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की। मेरे सहारे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे सहारे मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बिच भावर मत छोड़ना हो प्यारे, बिच भावर मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान चित्रकूट में इस प्रकार से रहते हैं जैसे कोई एकदम संसारी व्यक्ति अपने शरीर का ख्याल रखता है, ठीक ऐसे ही भगवान राम लक्ष्मण जी और जानकी मैया का ख्याल रखते हैं। उधर सुमंत जी जो है रथ लेके अयोध्या पहुंचते हैं, महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी कहते हैं, हमने कहा था राम लक्ष्मण जानकी को ले जाइए, वन दिखा के लेके चले आइएगा, क्या वो आ गए? सुमंत जी सारी बात बताते हैं, अर्थात वो नहीं आए। जब ये बात सुने हैं दशरथ जी, उनके हृदय में बहुत बहुत पीड़ा हुई है। उनकी बेचैनी को देख करके सुमंत जी समझा रहे हैं दशरथ जी को, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, काल करम बस होई गोसाई, जन्म मरण रही, जड़ दुख बिलघाही, दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जन्म मरण दुख सुख भोग हानि लाभ मिलन वियोग, काल कर्म के प्रभाव से ये सबके जीवन में स्वतः होता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह के बाद शाम और रात, रात के बाद फिर प्रातः काल, दुख सबके जीवन में आता है। जो ज्ञानी है वो दुख के आने पर धैर्य धारण करके उसके बीतने का इंतजार करते हैं और अपना जो प्रयोजन है उसमें स्वयं को लगाए रखते हैं। जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, वो टूट जाते हैं, हार जाते हैं, उन्हें लगता है ये जो दुख आया है आ गया है जाएगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब अपने जीवन में झांक के देखें अपने अनुभवों को, बीते काल के घटनाक्रमों को, कई बार ऐसा हुआ है जो दुख आया है वो इतना व्यथित किया, इतना पीड़ा पहुंचाया है, लगा कि अब इससे हम बचेंगे कैसे, इसे भूलेंगे कैसे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, हमारे दिमाग में जो भूलने की क्षमता है ना, उसी के कारण हम सब जिंदगी जी पा रहे हैं,
अगर भूलने की सामर्थ्य ना हो ना, पता है क्या होगा, एक बार जिस किसी ने भी हमको तकलीफ दिया है, जीवन भर हम उसी को याद करते 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 अपना जीवन खराब कर लेंगे। और तकलीफ देने वाला कई बार मोहल्ले का होता है, पर कई बार घर का भी होता है। अपना ही लड़का, अपना ही पति, अपनी ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपनी ही बहू, अपनी ही सास, कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं लोग कि लगता है सारा खराब कर्म प्रकट हो गया है। वो तो अच्छा है, भूलने का सामर्थ्य है जिसके कारण हम अपने बीते हुए दिनों के घटनाओं को भूल करके वर्तमान में रह लेते हैं। सबके जीवन में दुख आता है, जिसको समझ है वो ये बात जानता है कि ये दुख भी बीत जाएगा। जैसे सारे दुख बीत गए, सारे सुख बीत गए, वैसे ये भी आके निकल जाएगा। सुख आने पे वो उछलता नहीं है, दुख आने पे टूटता नहीं है। जो समझदार है, जो सत्संगी है, जो ज्ञानी है, जो साधारण लोग हैं, उसी में चटनी बन जाते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं ना, देखिए खबरों में आता रहता है, कोई नदी में पुल से छलांग लगा के जान दे दिया, कोई ट्रेन के सामने आके कट के मर गया। ये वही लोग हैं जो स्वयं को संभाल नहीं पाते। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग में हमको प्रतिकूल परिस्थिति में रहने का सामर्थ्य मिलता है, यथार्थ काम को बोध होता है। दशरथ जी को सुमंत्र जी समझाते हैं, लेकिन दशरथ जी ऐसे प्रेम में डूबे हुए हैं, राम के स्नेह से ऐसे चिपके हुए हैं कि वो ज्ञान विज्ञान की बात सुन नहीं पाते हैं। राम को याद कर करके वो व्याकुल हो जाते हैं। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल बिकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी, भयउ बिकल बरनत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आसा। भयउ बिकल बरनत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आसा। बहुत दिन बीते हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पित हित चित जातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयो सुरधाम।
हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। प्राण कंठगत भयों हुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। दशरथ जी का प्राण उनके कंठ में आके अवरुद्ध हो जाता है, जैसे सर्प अपने मणि के बिना व्याकुल होता है, छटपटाता है, उसी तरह दशरथ जी की स्थिति है। इंद्रियों की हालत ऐसी होती है जैसे तालाब में जल के अभाव में कमल मुरझा जाते हैं। जब यात्रा वृत्तांत बताते हैं सुमंत्र जी दशरथ जी को, राम जी के वनवास की बातें सुनाते हैं, व्याकुल उठते हैं दशरथ जी। कहते हैं अब मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगा, जिसने हमारे राम के साथ प्रेम को निभा न पाया। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गया तुम्हारे बिना जीते हुए, अब और नहीं जीना है। राम को याद करते करते महाराज दशरथ जी ने अपना शरीर त्याग दिया। राम जी को इतना स्नेह करते हैं दशरथ जी की, जब तक जीवन है तब तक राम को याद करते हैं, और जब राम से वियोग होता है तो राम को याद करते करते अपना तन त्याग देते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, उनको संदेश भेजा जाता है कि आवश्यक कार्य से शीघ्रातिशीघ्र वो अयोध्या पहुंचे। दोनों भाई जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या में पूरी तरह शोक छाई हुई है, सब लोग शोक मग्न हैं। समझ में नहीं आता हुआ क्या है, कोई भरत जी से बात नहीं करता है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इन्हीं की वजह से राम को वनवास हुआ है, जबकि भरत जी का कोई दोष ही नहीं। उनको तो मालूम नहीं कि क्या क्या घट चुका है अयोध्या में। भरत जी को पता चलता है पिताजी अब नहीं रहे तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन नजरों से ढूंढते हैं अपने राम लक्ष्मण को, जब कहीं दिखाई नहीं देते तब पता करते हैं, और मालूम चलता कि वो तो वनवास चले गए, और उसका कारण मैं स्वयं हूँ। साक्षात कारण नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कारण बनाया। भरत जी की स्थिति क्या है? भरत ही बिसरे उपी तुम्हारा नाम, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। भाई के वनगमन की बात सुन करके भरत जी पिताजी के मृत्यु के दुख को भूल जाते हैं, धैर्य धारण करके अंतिम संस्कार करते हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त जब हो जाते तब सभा लगती है। सभा में सब लोग समझाते हैं कि हे भरत, अब आप अयोध्या के राजा बने और अयोध्या की राज का बागडोर अपने हाथ में संभालें। स्वयं को दोषी मत मानिए, कई बार हम गलत नहीं होते हैं फिर भी हमें गलत समझा जाता है। भरत जी के साथ ठीक ऐसे ही हुआ है। भरत जी सबकी बात सुनते हैं, सब गुरुजनों की बात सुनते हैं, वशिष्ठ जी हैं और आदरणीय सम्माननीय श्रेष्ठ जन हैं। भरत जी कहते हैं आप सबकी बात हम मानते हैं, सही है, आपकी आज्ञा मानना भी चाहिए, लेकिन हमारी अपनी आत्मा का क्या करें? हमें मालूम है हमारी आत्मा किस कार्य के लिए हमें साथ देगी, हमारा साथ देगी, हमें समर्थन देगी। हमारी गति, हमारी सामर्थ्य सिर्फ इसमें है कि हम भगवान की सेवा करें, और वो सेवा हमारी माँ ने ही हमसे छीन लिया। हमारे हृदय में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। अपनी दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। हमारे हृदय में जो पीड़ा है, जब तक भगवान को हम देखेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय का जलन समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हम भगवान के पास जाना चाहते हैं,
उनसे प्रार्थना करेंगे, उन्हें लौटा कर अयोध्या लाएंगे। आप लोग अगर साथ चलना चाहते तो स्वागत है, वरना हम तो भगवान को मनाने जा रहे हैं। जब भरत जी चले हैं तो उनके पीछे पीछे अयोध्या के ढेर सारे लोग चलने लगे हैं। सबने तय किया कि भगवान मान गए तो वहीं उनको राज तिलक कर देंगे और वनवासी राम को नहीं राजा राम को लेकर अयोध्या आएंगे। भरत जी जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, अद्भुत प्रार्थना है। क्या कहते हैं भरत जी? कहते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन, यह वरदानु न आन। हे गंगा मैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। बस इतना चाहिए कि जब जब हमारा जन्म भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। बादल छाया करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राम जी के जाने के दौरान राम जी को धूप से बचाते हैं बादल में। देवताओं को जब मालूम चलता है तो देवता परेशान हो जाते हैं कि कहीं भरत जी के बातों में आकर के राम जी वापस चले आए अयोध्या तो असुरों का संहार कौन करेगा। देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास जाकर कहते, कुछ ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे भरत और राम की मिलन न हो पाए। बृहस्पति जी कहते, देखो राम जी को वनवासी बना दिए, राम जी को कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन भगवान राम और उनके भक्त के मिलने में अगर कहीं तुम रोड़ा बनोगे, रुकावट डालोगे, खलल डालोगे, तो फिर तुम भगवान के क्रोध में जल जाओगे। इसलिए भगवान और भक्त के बीच में मत आओ। भरत जी चलते हैं, बहुत ढेर सारे लोगों के साथ जब पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी को एक पल के लिए ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध करने आ रहे हों। ऐसा भी इनके मन में भाव तो नहीं आ गया कि वन में ही अपने भविष्य के संकट को हटा देते हैं और हमेशा के लिए अयोध्या का राजा बन जाते हैं। जब लक्ष्मण जी अपने मन के इस दुविधा को कहते हैं तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, भरत के हृदय में कभी कोई दोष नहीं आ सकता, कभी कोई कलमस उनके हृदय में ठहर ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। भरत के बारे में ऐसा मत सोचिए। भरत जी चलते 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 राम जी के निकट पहुंच जाते हैं। जाके चरणों में जैसे ही गिरते हैं वैसे ही राम जी उन्हें उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। कुछ देर ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि देखने वाले अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। भगवान राम और भरत के मिलन को देख करके सब कोई अपने आप को भूल गए। सभा बैठती है, अनेक प्रकार से विचार विमर्श होता है। जब राम जी को मालूम चलता है कि पिताश्री अब नहीं रहे तो भगवान जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, जो पूजा पाठ की विधि है अपने पिता के लिए, वो सब करते हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत, कुछ ऐसा विचार साझा करिए, कुछ ऐसा प्रस्ताव रखिए जिससे पिता के वचन भी पूरे हो जाए और आपका मन भी रह जाए। हमको धर्म संकट में मत रखिए। जिस वचन के कारण पिता के प्राण गए हैं उस वचन को अधूरा रखना भी ये अनुचित है। भरत जी अंत में कहते हैं, हे भैया, अपने चरण पादुका को हमें प्रदान कर दीजिए, उसी के सहारे हम आपका वनवास काल व्यतीत कर लेंगे। बस ये वचन दीजिए कि वनवास काल खत्म होने के तुरंत बाद आप अयोध्या पहुंचेंगे और अपने राज्य की जो सत्ता है उसे स्वयं संभालेंगे। तब तक एक प्रतिनिधि के रूप में हम आपके कार्य का देखभाल करते रहेंगे। भगवान प्रसन्न मन से अपने चरणों की पादुका भरत जी को प्रदान कर देते हैं। भरत जी
उसे अपने माथे पर ले करके सबके साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत सुंदर भजन है। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाओ में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाओ में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। अनुरागा धीर धुरंधर
बह चले धीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। चरण पादुका को ला करके अयोध्या के राजा का जो सिंहासन है उस पर आसीन करते हैं, स्वयं एक सेवक की भांति राजा के सभी कार्य का निर्वाह करते हैं। वन में देखा है ना राम जी को शयन करते हुए, राम जी वन में तो जमीन पर ही शयन करते हैं। अयोध्या आने के बाद भरत जी ने अपने शयन के लिए, अपने जीवन के लिए अयोध्या की राज सत्ता से दूर अपनी कुटिया बनाते हैं और वहाँ जमीन को खन के उसकी मिट्टी निकाल करके जमीन के सामान्य सतह से नीचे जाकर अपने शयन का आसन बनाते हैं। सब कुछ संपन्न होने के बाद भी तपस्वी की भांति भरत जी अयोध्या में रहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वाह करते हैं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। अपने समस्त सुख संसाधनों को त्याग करके सब लोग राम जी के प्रतीक्षा में अपना जीवन जीते हैं। एक दिन राम आएंगे और हमारे अयोध्या को राजा के रूप में प्राप्त होंगे। त्रेता में ही नहीं कलिकाल में भी हम सब ने बड़ा इंतजार किया ना, बहुत इंतजार किया। अब जाके हम सबको हमारे राम का भवन, घर, मंदिर, उनका राज, उनका साम्राज्य सब उसी राजसी रूप में प्राप्त हुआ। आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले जो अयोध्या गए होंगे, अगर वो दोबारा फिर से जाने का अवसर पाते हैं, सौभाग्य पाते हैं, जाके देखेंगे, ऐसा लगता है किसी मतलब हमने त्रेता तो देखा नहीं है, त्रेता काल तो हमने देखा नहीं, राम जी के राज्य का काल, लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा सच में आधुनिक त्रेता काल में आ गए हैं। बहुत सुंदर वहाँ पर बनावट है, भवन है, सबने वीडियो में देखा होगा, समाचारों में देखा होगा। हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमको खींच के बुला लिया,
भगवान चित्रकूट में कुछ समय रहते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं पंचवटी। वहाँ कुटिया बना के भगवान रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, घूमते घूमते रावण की जो बहन है ना, सूर्पणखा, वो आती है।